हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और मेरा नाम है कोमल और ये जो चैनल है ये मेरे बेटे के नाम पर है। तो आज मैं यहाँ पर कोई व्लॉग लेकर के नहीं आई हूँ, एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो ही लेकर के आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे कंसीव किया था। एक्चुअली मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को मालूम है, और मेरा जो पुराना चैनल था कोमल अग्रवाल के नाम से, वहां पर अभी भी मुझे रेगुलर कमेंट्स आते हैं कि आपने कंसीव कैसे किया था, एक बार हमें बताओ। क्योंकि कोई भी मुझसे पूछता है कि आपकी बेटी कब हुई थी या कुछ भी बात होती तो मैं उन लोगों को बताती हूँ कि 8 साल बाद हुई है। तो सभी का यही क्वेश्चन होता है कि 8 साल बाद आपने कैसे कंसीव किया था, आईवीएफ कराया था या नेचुरली कंसीव किया था या कहीं से मेडिसिन लेती होते हैं। ऑब्वियस है जिसके पास बेबी नहीं होते हैं उनको ये बहुत सारे क्वेश्चन उनके माइंड में आते हैं, और जिनको बहुत जल्दी से बच्चे मिल जाते हैं तो उनको तो गॉड गिफ्ट मिलता ही है। तो आज मैं यही शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। पहले आप मेरी बेटी की छोटी सी क्लिप देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि कौन है गौरी। एक्चुअली मुझे साथी होने के 1 मंथ बाद ही कंसीव हो गया था। देन 3.5 मंथ में वो मेरा मिसकैरेज हो गया था। कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि आपको चाहिए नहीं था इसलिए आपने अबॉर्ट कराया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद में जो है मुझे दोबारा डॉक्टर ने मना कर दिया था कि 1 ईयर तो आपको सोचना ही नहीं है, और फिर मेरे यूट्रस में स्वेलिंग आ चुकी थी, मेरी डेट इरेगुलर हो चुकी थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी। मतलब ये टाइम पीरियड ऐसा था कि मेरे को बच्चे से पहले मेरी हेल्थ बिल्कुल बेकार हो चुकी थी, और टाइम बीतता जा रहा था। जो भी जो मुझे कहीं पे भी बताता था मैं वहीं पे जाती थी, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे वो एलोपैथिक हो, कोई भी डॉक्टर मैंने ऐसा नहीं छोड़ा था। गाजियाबाद में गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, मैं रोहतक, बहुत सारी जगह मैं गई, मथुरा में है वहां से लिया, यहीं पर एक दादी थी बहुत बुजुर्ग सी थी, उनसे वो मेडिसिन देती थी, इंजेक्शन देती थी घर में, उनसे भी मैंने ट्रीटमेंट लिया लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने जितने भी टेस्ट जो भी डॉक्टर बोलता था, और पता है क्या होता है मतलब जो भी हम ये ट्रीटमेंट लेते हैं बेबी के लिए कंसीव करने के लिए तो हमें बहुत सारे टेस्ट कराने होते हैं, तो हर एक डॉक्टर एक नया टेस्ट बता देता था, हर एक डॉक्टर अपने नए टेस्ट करवाते हैं सारे, और उसमें मुझे हर बार टेस्ट कराने होते थे। इतने पेनफुल टेस्ट भी होते थे कि जिनको मैं बयान भी नहीं कर सकती। उनको बहुत यूट्रस में से पीस लेना जो कि हो, उसमें मतलब डॉक्टर बोलता था कुछ नहीं होगा लेकिन उसमें बाद में आपको 5-6 घंटे बाद होस आना है, ट्यूब चेक करनी है, ट्यूब ब्लॉकेज है कि नहीं है, बहुत सारे टेस्ट ऐसे मैंने कराए थे। तो करते करते हमारा बहुत टाइम बीत गया। इसी के बीच में मेरी मदर भी एक्सपायर हुई, इसी के उनका भी था एक बेबी हो जाए, उसके बाद में मेरी दीदी का बेटा भी एक्सपायर हुआ, फिर और ज्यादा टेंशन्स। और पता क्या होता है कि जब हम कभी भी टेंशन में होते हैं तो हमें कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ से सब कुछ होता है, और अगर हम यहाँ से टेंशन फ्री हैं तो ये चीज बहुत जल्दी होती है। ऐसा हम लोगों के साथ में हुआ भी है। तो मैंने ट्रीटमेंट कराते 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 एक टाइम ऐसा आया कि हम लोगों ने क्या, मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि अब ट्रीटमेंट कराने ही नहीं है और मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये हर जगह जाते थे, बहुत जगह हम गए, बहुत जगह से मेडिसिन ली, मेडिसिन खा खा करके बॉडी और बेकार हो चुकी थी, तो इसी वजह से इन्होंने मना कर दिया। तो टाइम बीतता गया। टाइम बीतने के बाद में मेरे पास में मेरी बड़ी बेटी भी आ गई जो कि मेरी दीदी की बेटी है, उसके भाई की डेथ के बाद में हम लोग ले आए थे। उसके बाद में मुझे था कि डॉगी लेना है, और बहुत से लोग बोलते भी हैं कि बाद में मुझे पता चला कि जिस घर में डॉग आता है उस घर में बच्चा आ जाता है, तो ऐसा नहीं है। हम लोगों ने ये सोच के बिल्कुल भी नहीं लिया था। पैट रखने का मेरा शुरू से मन था, इनका भी था, और इसी वजह से हम लोगों ने पैट भी रखा। इन बातों को बीतते 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 7 साल हो गए थे, 7 से 7.5 साल के करीब। तो मैं घर से अपनी दुकान पे जाती थी, रास्ते में एक डॉक्टर बैठती है, होम्योपैथिक डॉक्टर थी,
है अभी भी, वो बैठती थी तो मैं अक्सर उनका क्लिनिक देखती थी। मुझे प्रॉब्लम थी कि इरेगुलर डेट आ रही है और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती थी, साथ में मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था जिसमें मेरे को पीसीओडी की प्रॉब्लम भी आई थी, तो उसमें बोलते हैं कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इन डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेती हूँ। उनके पास मैं गई, मैंने उनको सब कुछ बताया, तो बेबी प्लानिंग के लिए मैंने मना कर दिया था कि अभी हमें कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपनी बॉडी ठीक करनी है, आप मुझे मेडिसिन दीजिए। तो उन्होंने मुझे 15 दिन की मेडिसिन दी थी। 15 दिन में फिर मैंने 15 दिन की ओनली, 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ था। देन हमेशा मेरी डेट होती थी कभी 10 दिन ऊपर, कभी 15 दिन, मतलब इस तरीके से लेट हो जाती थी। चेक कर देते तो नेगेटिव आता था। ऐसा ही हुआ था मेरे साथ में नवंबर में भी। और मैं दुकान पर थी, अपने दुकान पे मेरे को, मैं कस्टमर अटेंड कर रही थी। एक्चुअली हम लोगों का जो बिजनेस है अपना, अपनी शॉप है अंडरगारमेंट्स की और साथ में फैब्रिक से रिलेटेड, तो वहाँ पे मैं कस्टमर अटेंड कर रही थी और मेरे को साथ में बैक में पेन हो रहा था। इतना भयंकर वाला दर्द था कि मैं मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तो मेरे हस्बैंड थे वहीं पर, मैंने उनसे बोला कि यार मुझे ना बहुत दर्द हो रहा है बैक में, तो मुझे लग रहा था कि ये डेट वाला पेन हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, 1% भी उम्मीद नहीं थी। तो इन्होंने बोला कि आपने चेक किया? मैंने कहा नहीं, मैंने चेक नहीं किया और होना है ही नहीं, क्योंकि इतने सालों से अगर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, मतलब चेक कर रहे हैं और वो नेगेटिव आए, तो एक अच्छी खासी एक थॉट क्रिएट हो जाती है कि ये तो होना ही नहीं है, ठीक है। और उस टाइम पे हम लोग ये सोच करके बैठ गए थे कुछ टाइम पीरियड, एक साल हम लोगों ने ये सोच लिया था कि अब जो होगा हो जाएगा, अब टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, अपनी बॉडी को ठीक करना है। तो उस दिन था 30 नवंबर, 30 नवंबर की शाम को मैं गई घर पे, इन्होंने बोला आप घर जाओ पहले चेक करो, मेडिसिन बाद में लेना। मैं हमेशा ना जब मुझे पेन होते तो एक टैबलेट आती है मैप्रोल करके, वो ले लेती थी, मैंने कहा अभी भी ले लेती हूँ। बोले नहीं, इनको पता नहीं क्या मन में आ रखा कि नहीं लेनी है इनको, ठीक है। गई मैंने चेक किया, 30 नवंबर को मेरी मम्मी की डेथ हुई थी और उसी दिन मैंने चेक किया था। बिल्कुल दिमाग में था कि नहीं नेगेटिव तो आना ही है, क्या मैंने देखा किट को छोड़ दिया, एक लाइन थी, मैंने तुरंत 5 मिनट बाद ऐसी नजर गई, मैंने रख दिया था, उसको उम्मीद नहीं थी ना, इसलिए दोबारा इस पे बिल्कुल हल्की सी लाइट लाइन आई, बिल्कुल लाइट सी, समझ नहीं आया एकदम देख करके, बिलीव नहीं हुआ। मैंने कुछ नहीं देखा घर पे, कोई भी नहीं था, किट उठाई और भागी अपने डॉक्टर के पास में, क्योंकि बिल्कुल घर से 20-25 कदम पे ही रहती थी वो होम्योपैथिक डॉक्टर मेरी। मैंने उनको जाकर के देखा कि उनके पास में पेशेंट बैठे हैं, तो मैंने उनसे बोला कि तन्वी मुझे बात करनी है, वो बोले कि क्या होगा, मैंने कहा नहीं मुझे बात करनी है अभी, तो बोली कि 2 मिनट रुक जाओ, मैंने कहा नहीं 2 मिनट रुकने का टाइम नहीं है, मैं सीधे दुकान पे भागी, मैंने कहा मैं अभी आती हूँ। मैंने जाकर के अपने हस्बैंड को किट दिखाई, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं, बोले शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है। मतलब वो वाला टाइम तो हम बता भी नहीं सकती हूँ, कि कहते हैं ना कि हमें कुछ उम्मीद नहीं होती है और एकदम कुछ मिल जाए ऐसा, तो आप इसे नेचुरली भी कह सकते हो या फिर आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से कह सकते हो, क्योंकि मैंने सिर्फ 1 मंथ का ट्रीटमेंट लिया था, वो भी कंप्लीट नहीं था, और वो भी मैंने प्रेगनेंसी के लिए लिया था, पीसीओडी के लिए लिया था और डेट को रेगुलर करने के लिए लिया था, उसी दौरान में ये टाइम आ गया था। तो उसके बाद मैं डॉक्टर के पास में गई, तो उसने बोला क्या हुआ, मैंने कहा ये देखो, उसने बोला मेरी सांस इतनी फूली हुई थी, समझ नहीं आ रहा था खुशी हो रही है क्या हो रहा है, डर बहुत ज्यादा था, तो बोली रिलैक्स हो जाओ कोमल, कुछ नहीं हुआ है, ये पॉजिटिव है और बहुत अच्छा है, अब तुम्हें मैं मेडिसिन नहीं दूंगी, अब तुम्हें सीधे एलोपैथिक के पास में जाना। उनका है सच में, नेक्स्ट डे ये किसी को भी नहीं बताया था, मैंने मम्मी को भी नहीं बताया था, सासू माँ को भी नहीं बताया था, मेरी मदर की डेथ तो हो ही चुकी थी। तो अगले दिन मैंने अपनी जेठानी भाभी को, उनको डॉक्टर के यहाँ जाना था, मैंने कहा भाभी मैं अभी चलती हूँ, उनको बताया नहीं था, तो घर पे मैं गई, तब मैंने उनको बताया कि भाभी ये बात है, मतलब उनकी आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि होता है ना कि इतने टाइम बाद, भाभी पे भी बेबी नहीं था और मुझ पे भी नहीं, तो एक ये था कि आज चलो घर में एक तो आएगा कम से कम। गए डॉक्टर के पास में, डॉक्टर ने बोला कि क्या क्या प्रॉब्लम है, मैंने कहा प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, डेट इरेगुलर आती थी। डॉक्टर ने बोला उस बात को छोड़ दो, अब ये सोच कि अब तो प्रेग्नेंट है, अब खुश रहना है। सारे उन्होंने टेस्ट लिखा, टेस्ट कराए, तो इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई थी कि 3.5 मंथ मेरा फुल बेड रेस्ट रहा था, बेबी की स्टार्टिंग में हेड बीट ही नहीं आई थी,
और मैंने चेक भी पता है कब किया था, वन मंथ मतलब वन एंड हाफ मंथ बाद मैंने चेक किया था ये, क्योंकि उम्मीद नहीं थी। और पहले ही होता था हर दूसरे तीसरे दिन डेट अबव हुई है, चलो दो दिन अबव हुई है, तीन दिन हुई है, चलो चेक कर लो, लेकिन उस टाइम से नहीं। हार्टबीट नहीं आई थी तो खुद की धड़कन भी रुक गई थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि पहला जो मिसकैरेज था वो ये हुआ था कि मेरा थ्री एंड हाफ मंथ पे बेबी की हार्टबीट रुकी थी और अब आई नहीं थी। टाइम बीता, सब कुछ ठीक हुआ और गौरी भी हमारे पास में आ गई। तो बस इससे मैं ना यही कहना चाहूंगी, टेंशन छोड़ दो इस चीज के लिए, जब जो होना होगा ना वो होगा, जो आपके पास में आना होगा वो कैसे भी आएगा और जो नहीं रहना होगा वो आकर भी चला जाएगा। तो जिस टाइम पे गौरी हुई थी उस मतलब पे कंसीव हुआ था उस टाइम पे बिल्कुल भी हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन हाँ हम लोगों ने नेगेटिव सोचना छोड़ दिया था, सिर्फ पॉजिटिव थे और ये कंसीव हो गई। अभी भी मेरे पास में जैसे कमेंट आते हैं, अभी रिसेंटली कल ही आया था कि 6 साल हो गया बेबी नहीं है। एक है मेरे सब्सक्राइबर जिनके आई थिंक 2 से 3 बेबी नहीं रहे हैं अभी और बहुत टेंशन में रहती हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लेकिन अगर आप कंसीव करना चाहते हो सबसे पहले टेंशन छोड़ दो। दुनिया वाले बोलते हैं, मेरे घर वालों ने कभी कुछ नहीं बोला, ना मेरे इन लॉज ने कभी कुछ बोला, ना ही हस्बैंड ने कुछ बोला बेबी के लिए। तो कभी आई थिंक मैंने कभी किसी से नहीं सुना, बाहर वालों से बहुत सुना है, रिलेटिव से बहुत सुना है, अपनों से नहीं सुना है। तो जो कोई बोलता है ना बोलने दो, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि हम जबरदस्ती नहीं ला सकते हैं। जब तक किस्मत में नहीं होगा और जब तक हम फ्री नहीं हो जाएंगे यहाँ से, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो पता नहीं मैंने क्या क्या अभी आप लोगों को बताया, बस यही बोलूंगी कि आप लोग फ्री हो जाओ। हाँ, अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप लेना चाहते हैं तो एक बार ले सकते हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि शायद मुझे 15 से 20 दिन में रिजल्ट मिल गया था। और ऐसा नहीं है, मेरी कुछ सब्सक्राइबर हैं जो यहीं पर लोकल भी रहती हैं, दूर से भी आई हुई हैं, पानीपत से भी आई हुई हैं, उसमें से कई लोगों को कंसीव हुआ है और कई साल बाद हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं उनसे बात करना तो मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप लोगों को, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, डॉक्टर तन्वी उनका नाम है। तो यही थी मेरी छोटी सी स्टोरी, आगे मैं बताऊंगी। बहुत से लोगों को बताया गौरी नॉर्मल हुई थी कि डिलीवरी मतलब बेबी डिलीवरी नॉर्मल हुई थी या सिजेरियन हुई थी, सबको पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। तो वो मैं जरूर बताऊंगी कितने टाइम का पेन रहा था, क्या क्या किया था मैंने नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी के टाइम पे, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अच्छी लगे तो शेयर करना। टेक केयर, बाय बाय।